पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री अदिति राव हैदरी ने अपने रोल के लिए जया बच्चन का शुक्रिया अदा किया है। उन्हें खुशी है कि जया बच्चन ने संजय लीला भंसाली को इस किरदार के लिए उनके नाम सुझाए। फिल्म पद्मावत रिलीज के बाद काफी तेजी से कमाई के बड़े बड़े आंकड़े को तोड़ने में लगी हुई है। फिल्म के किरदार रानी पद्मावती, राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी की चर्चा लोगों के बीच आम है। भले ही फिल्म में अदिति राव हैदरी के किरदार की चर्चा कम हुई हो, लेकिन वो फिल्म में अपने काम से संतुष्ट है। फिल्म में उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी मेहरुनिशा का रोल प्ले किया है। जब अदिति से पूछा गया कि उनके अंदर ऐसी कौन सी खूबियां है जिसे देखकर जया बच्चन ने उनका नाम इस रोल के लिए सुझाया, इस पर अदिति ने कहा, इसकी वजह उनकी आंखें हैं। उनके मुताबिक एक खबर में उन्होंने पढ़ा था कि उनकी आंखों और उनके चेहरे के नूर की वजह से जया बच्चन को वो इस रोल के लिए सबसे मुनासिब लगी। फिल्म में अपने किरदार के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेहरुनिशा की खास बात ये थी कि वो अलाउद्दीन खिलजी की आंखों में आंखें डाल उन्हें सच्चाई बताने की हिम्मत रखती थी। बता दें कि रणवीर ने भी अदिति राव की तारीफ करते हुए कहा था कि अदिति ने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया। उन्होंने किरदार को ठीक वैसे ही निभाया जैसा निर्देशक संजय लीला भंसाली चाहते थे। हाय नमस्ते, दिस इज नेहा वग्गा एंड यू आर वॉचिंग ग्लिप्स न्यूज। हाय, मैं हूं मनु पंजाबी, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं ग्लिप्स चैनल मेरे साथ। So keep watching. Love you guys. Hi, I'm Alok Narula. और मैं हूँ अंशु नरोला और आप देख रहे हैं ग्लिप्स न्यूज।